तो आगे दोस्तों आप लोग आइए, फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सरकार जो है, भारत सरकार बेटियों के लिए बहुत सारी स्कीमें लेके आई है, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, और उसी के तर्ज पे एक और योजना है राजश्री योजना। दोस्तों राजश्री योजना में नया नियम क्या है 2020 का, और साथ में इसमें बेटियों को जन्म लेने पर सरकार से 50,000 रुपये पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। बेटी अगर आपके घर में जन्म लेती है तो बहुत ही शुभ होता है, पहले भी शुभ होता था, अभी भी शुभ होता है। पहले पैसे नहीं मिलते थे तो भी शुभ होता था, और अभी पैसे मिलेंगे तो भी शुभ है दोस्तों। तो बेटियों के जन्म लेने पर 50,000 रुपया पाने के लिए क्या क्या करें राजश्री योजना के अंतर्गत, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी वाला बटन जरूर दबाना, जिससे कि भर्ती के विज्ञापन और लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों हम मैं आपके लिए चार्ट बना के लिखाया हूँ, ताकि आपको बाकी चीज़ें पढ़ना ना पड़े, मेन मेन मुद्दे पे हम बात करेंगे दोस्तों। राजश्री मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान, इस योजना को राजस्थान सरकार ने 1 जून 2016 को शुरू किया था। ये योजना का मूल उद्देश्य बालिकाओं की मृत्यु दर को रोकना, उन्हें शिक्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना है। नीचे जानिए इस योजना के तहत इस एक बेटी को क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों योजना का मकसद लिंग भेद को दूर करना है, भ्रूण हत्या पर रोक, बाल विवाह खत्म करना, टीकाकरण के प्रति जागरूकता, जन्म का पंजीकरण करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। आप बोलेंगे जन्म का पंजीकरण करने के लिए किस तरह ये योजना का महत्व है, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और साथ में अस्पताल और सरकारी जच्चा बच्चा केंद्र में प्रसव को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ों का मकसद इस राजश्री योजना के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। योजना का लाभ दोस्तों, योजना का लाभ बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक, मतलब कक्षा 12वीं तक, पढ़ाई आगे भी करती है कोई बात नहीं, उसके लिए अलग योजना है, 12वीं तक की पढ़ाई के लिए बेटी के जन्म से लेकर, और उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य भी आ गया उसमें, एजुकेशन भी आ गया दोस्तों, ठीक है। 50,000 रुपये बेटी के माता पिता को सरकार देती है। इस राशि को निम्नलिखित रूप में दिया जाता है, मतलब 50,000 रुपये आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, रह रह के मिलेंगे। कैसे कैसे मिलेंगे देखिए दोस्तों, सब जो ऊपर ये मकसद बताया था मैंने आपको, वो मकसद सारे हासिल होने चाहिए सरकार को, तभी वो आपको पैसे मिलेंगे। मकसद बहुत ही आसान है, जो आप हर परिवार करता है, हर माँ बाप करते हैं अपनी बेटी के लिए। सबसे पहले दोस्तों 2,500 रुपये मिलेंगे बेटी के जन्म के बाद, बेटी का जन्म हुआ 2,500 रुपये मिले आपको, उसके बाद 2,500 रुपये आपको एक वर्ष का टीकाकरण होने पे मिलेंगे। इस समझ गए टीकाकरण का महत्व, मतलब आप टीकाकरण तो करवाते ही हो बच्ची का, अपने बच्चे का, बेटी बेटी का, तो अब उसके पैसे भी आपको सरकार के पास से मिलेंगे। ये 2,500 लेने के लिए आपको एक टीकाकरण का एक फाइल होता है, एक कैलेंडर होता है, वो आपको मेंटेन करना होगा। और ये 2,500 लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा बेटी का, नाम का रजिस्ट्रेशन, जन्म बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। 4,000 रुपये पहली कक्षा में प्रवेश पर, जब फर्स्ट कक्षा में प्रवेश करेंगे तो 4,000 रुपये भी मिलेंगे दोस्तों, आया ना, एजुकेशन का पर्पज़ भी इसमें शामिल हो गया। उसके बाद 5,000 रुपये छठी के कक्षा में प्रवेश करने पर मिलेंगे, 5,000 रुपये, मतलब छठी कक्षा तक आप पढ़ा रहे हो, ये अगर सरकार को पता चल गया तो वो 5,000 रुपये देगी। 11,000 रुपये 10वीं कक्षा में प्रवेश पर मिलेंगे दोस्तों, 10वीं में बेटी आ गई तो 11,000 रुपये मिलेंगे। साथ में 25,000 रुपये 12वीं पास करने पर मिलेंगे, 25,000 रुपये। तो ये इस तरह से आपको दिया जाएगा, 2,500 5,000, 5 में 10, 4 14 और 11, 2,500 50,000 रुपये आपको 12वीं तक बेटी की पढ़ाई के लिए मिलते रहेंगे। योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों, मैंने बताते चला लेकिन फिर भी आपको बता दूं, इस योजना की पहली 2 किस्त का लाभ उन बालिकाओं को मिलेगा जिनका जन्म सरकारी अस्पताल या फिर जननी सुरक्षा के अंतर्गत निजी चिकित्सालय में हुआ, उन प्राइवेट हॉस्पिटल होगा तो भी चलेगा, लेकिन जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आता हो वो हॉस्पिटल। अगला, इस योजना की पहली 2 किस्तें उन माता पिता को भी मिलेगी जिनकी तीसरी संतान लड़की है, लेकिन उन्हें योजना की आगे की किस्तों का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। इस योजना में कुछ बदलाव किए गए, यानी योजना के अंतर्गत बाकी किस्त का लाभ पाने के लिए भामाशाह कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आपको भामाशाह कार्ड बनवाना ही पड़ेगा। भामाशाह योजना राजस्थान सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई, जिसके तहत परिवार के बैंक खाते महिलाओं के नाम पर खोले गए। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के नाम पर खाता खोले गए हैं और सरकार द्वारा मिलने वाला आर्थिक भुगतान सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है, ये उन महिलाओं को मिलेगा, उन बालिकाओं को मिलेगा। अब आते हैं आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको सरकारी अस्पताल या जिला
या तालुका स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करना होगा, वो आपको एक कार्ड बना के देंगे, उस कार्ड को मेंटेन करना होगा और उसमें हर घड़ी एंट्री करवानी पड़ेगी, और एंट्री करवाने के बाद आवेदन मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी आप कर सकते हो या तो फिर इधर जाके आप मिल सकते हो। पूरी जानकारी इसी तरह रहेगी दोस्तों। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, फटाफट चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबा दो। जय हिंद दोस्तों।